बिजली कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना साफ तौर पर राज्य सरकार का फेलियर है जो घरेलू बिजली हमारे कार्यकाल में 24 घंटे मिला करती थी वह आज गांवों में 24 मिनट भी नहीं मिल पा रही है गांवों में ही नहीं बिजली कटौती से शहरों में भी लोग परेशान हैं प्रदेश के कई बिजली घर बंद हैं और कई बंद होने की स्थिति में है प्रदेश में विद्युत संकट गहरा गया है इस कारण उद्योग प्रभावित भी हो रहे हैं खेती और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है